थैंक यू भैया, थैंक यू। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर, जहां मैं आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताऊंगी कि कैसे इंटरव्यू दें। आपका एपीएस का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसे आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ओएसटी कह लेते हैं या सीएसबी बोलते हैं, वो बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं। अमूमन सभी के, जिन जिन का सिलेक्शन हो गया था, उनका स्कोर कार्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। जिनका स्कोर कार्ड नहीं आया, उसका सीधे सीधे ये लिखा आ रहा होगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना। तो इस चीज से पहली बात तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको चीजें बता रही हूं कि इंटरव्यू कैसे दें, सारी आपके क्वेश्चंस में यही उठा लाऊंगी, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। समझ पा रहे हो? उससे पहले भी एक प्रॉब्लम थी, मैंने जब ये सोचा कि आपको बताऊं इंटरव्यू कैसे देना है आपको और किस तरीके से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे इंटरव्यू के दौरान ही, कि हाँ यही है वो कैंडिडेट जिसको हम ढूंढ रहे थे। उससे पहले मुझे ये पता लगा कि आपको ये नहीं पता है कि किस किस स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो क्लस्टर में, है ना। आर्मी पब्लिक स्कूल वर्तमान में 137 जगह पे, मतलब 137 स्कूल्स हैं इसके अलग अलग जगह पे। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दो मिनट में बताते हुए निकलते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई करना शुरू कर दिया वो बहुत समझदार बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है उन्हें बता दूं, अप्लाई में ये डालिए अपने, किस पे, गूगल बाबा पे डालिए, ये किस पे डालिए, गूगल पे डालिए AWES इंडिया। उसके बाद आपको पूरा का पूरा ऑल इंडिया लेवल पे एपीएस का जो वेब पेज है वो दिखाई देने लगता है। उसमें ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे कंटेंट दिखाई देंगे। पॉपअप में जब जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन पे टिक लगाइएगा, उस इंस्टीट्यूशन पे जब आप टिक लगाते हैं तो इंडिया का मैप नजर आएगा, पूरा बना हुआ मैप। अब जैसे मुझे, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूं, ये मैं आपको डेमो दिखा भी दूंगी कि कैसे आप ऑनलाइन जाके, आपको पता लग जाएगा कि कहां रेगुलर वैकेंसी है, कहां कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी है, भागना नहीं पड़ेगा आपको। इंडिया का मैप जब दिखे तो अपने जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको टिक कर दीजिएगा। जैसे मैंने यूपी को टिक किया, मैंने किसको टिक किया, यूपी को, छूने भर से ही, यूपी को छूने से ही, स्टेट को उसको छूने से ही, जितने भी स्कूल होंगे उस स्टेट में, किसके एपीएस, जितने भी एपीएस हैं सबकी लिस्ट निकल आएगी, कॉन्टेक्ट नंबर निकल आएंगे, सबकी वेबसाइट ऑफिशियल निकल आएगी। अब उस वेबसाइट पे मुझे क्लिक करना है, क्या करना है, उस वेबसाइट पे मुझे क्लिक करना है, और जैसे ही मैं उस वेबसाइट पे क्लिक करूंगी मुझे वहां सारे के सारे नोटिफिकेशंस दिखने लगेंगे। उसी नोटिफिकेशन में मैं ये देख लूंगी कि वैकेंसीज कब आई हैं, क्योंकि सभी की वैकेंसी एक दो दिन के अंदर ही आई हैं। तो मैं वहां देख लूंगी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन देख लूंगी, प्रॉपरली पूरा नोटिस पढ़ लूंगी, उसको बकायदा डाउनलोड ही कर लूंगी, ठीक। और उसके बाद वहीं से, उसी वेबसाइट से, मैं फॉर्म डाउनलोड करूंगी, क्या करूंगी, फॉर्म डाउनलोड करूंगी, ठीक। और उसके बाद फॉर्म भर के आपको भेज देना है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? गुड इवनिंग गुड्डा, गुड इवनिंग, ठीक। अब इस चीज को देखें, आप जब सीधे फॉर्म डाउनलोड करने पे मत चले जाना, नोटिस जरूर देखना। क्या देखना है गुड्डा? नोटिस जरूर देखना, नोटिफिकेशन जरूर देखना। क्यों? क्योंकि उसमें पता लगेगा कि 100 रुपीज का डीडी जो बनना है जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो वो किसके नाम पर पेबल है। एक भी गलती हो गई ना तो 100 रुपए डीडी के गए, स्पीड पोस्ट जो भेजा वो गया, और तुम इंतजार में रह जाओगे, मेल आएगा, मेल आएगा, भूल जाओ, अगली साल देखना फिर, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए प्रॉपरली वो जो नोटिस निकाला है उन्होंने रिक्रूटमेंट का, उसी वेबसाइट पे जाके आराम से देख लेना। वहां पे उन्होंने पूरे पूरे जितने भी अभी राइट नाउ में जितने भी नोटिस निकाले होंगे, टेंडर्स रिलेटेड भी निकाले होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा मामला दिखाई देता है उस पर्टिकुलर स्कूल की, ठीक है। वहीं भरना जो प्लेसेस आपके लिए फिजिबल हों। अब पता पड़े आप डाल दो, कोई बच्चा है सहारनपुर का रहने वाला और वो डाल रहा है कहां, लालकुआ वाले स्कूल पे, दिल्ली वाले पे, तुमने भर दिया अपनी मस्ती में। वहां जब पहुंचोगे ना इंटरव्यू देने, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे, यहाँ क्यों, तकरी लेने के लिए।
और आपने वहां कोई सटीक जवाब नहीं दिया तो पहली बार में कट नेगेटिव की, ये तो मजे लेने के लिए आया कि चलो इसी बहाने इंडिया गेट घूम आएंगे, ये तो इसलिए आया था, ये तो सीरियस कैंडिडेट ही नहीं, हटाओ। समझ पा रहे हो उस बात को? क्लस्टर होता है ग्रुप, कई बार कई सारे स्कूल्स एपीएस के ही साथ में मिलके वैकेंसी आउट करते हैं, एक ही नोटिस पे एक साथ अपनी वैकेंसी बताते हैं कि रेगुलर में 30 वैकेंसीज हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में 40 वैकेंसीज हैं, इसे सब्जेक्ट की साथ में निकालते हैं, उसे बोलते हैं क्लस्टर, ग्रुप्स ऑफ स्कूल, एक ही नोटिस पे तीनों का। क्लस्टर में हमेशा एक ही स्कूल का भरना, बात आ रही है समझ में, कि पता पड़े 3 डीडी बनवा दिए, जैसे जोधपुर कोटा और आपका 3 का क्लस्टर रहता है, ये इधर है जोधपुर कोटा और एक और स्कूल है, इनका तीनों का क्लस्टर रहता है, इन तीनों का एक साथ निकलता है, किसी एक ही स्कूल का भरना होता है। इंटरव्यू सबका, जितने भी कैंडिडेट हैं, एक ही जगह होगा, वो फिर उनकी लाइकिंग होती है कि वो किस वाले स्कूल में, जहां पे उनको लग रहा है वहां वाले पे उस पे आपको शिफ्ट करेंगे। समझ पे आ पा रही है? लेकिन भरना एक ही पे, वरना फॉर्म कट जाएगा, 2-3 जगह पे एक ही क्लस्टर में अगर आपका नाम आ गया तो काट देंगे, ठीक है। फॉर्म जो भेजोगे आप डीडी लगा के, बढ़िया फॉर्म डाउनलोड करके इन्हीं की वेबसाइट से, बढ़िया एक एक चीज ढंग से भर के पढ़ के समझ के स्पीड पोस्ट से भेजना, ठीक है, और ट्रैक करते रहना, वरना बच्चे कई जगह से भरते हैं, ठीक। लेकिन कई बार सिचुएशन क्या होती है कि आपने फॉर्म ट्रैक नहीं करा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन निकल गई, उसके बाद वो लौट के आ गया, तब आपको पता पड़ा ओ मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, यार मैं तो उम्मीद पे था मेरे को कॉल आने वाला, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा। याद रखना, तो समय लेते हुए ज्यादा टाइम मत लगाना, अभी तो बहुत दिन है, नहीं, कल फॉर्म निकालो, भरो, फोटो स्टेट कराओ सारे डॉक्यूमेंट्स की, पूरा बढ़िया तरीके से एनवेलप सजाओ अपना, स्पीड पोस्ट करो और उसको चेक करते रहो, ठीक। जब आपका फॉर्म पहुंच जाए, जब ये ट्रैकिंग चेक कर लो कि फॉर्म पहुंच गया, तो अपना मेल चेक करना, पर डे चेक करना, क्यों, क्योंकि 7 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं मिलता है इंटरव्यू में, ठीक। समझ पा रहे हो उस बात को? प्रीति पूछ रही है, दीदी नोटिफिकेशन कब आएगी? नोटिफिकेशन कब आएगी किसकी? अरे कोई दिक्कत नहीं, आ चल अगली साल देख लेना। नोटिफिकेशन कब आएगी इसकी? जैसे ही आप डाल दोगे तब उसके बाद आपको मेल पे ही पता लगता है, जो ईमेल एड्रेस आपने डाला होता है। और गलती से भी पोस्ट गलत मत भर देना। एक बार मेरी ही जानकारी में एक टीचर है, वहां निकली हुई थी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस, अब उसने सिर्फ टीजीटी भरा है, आगे भरना भूल गई पॉलिटिकल साइंस, फॉर्म रिजेक्ट होके आ गया, मेल आया आपका फॉर्म रिजेक्ट है, क्योंकि इस पे पोस्ट ही नहीं फिल थी। ये बता के बेइज्जती और कर देंगे तुम्हारी कि तुम्हें पोस्ट तक फिल नहीं करनी आती, तुम्हें क्या ही दे दे। अब आते हैं इंटरव्यू पे। देखो इंटरव्यू के सिर्फ कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक नियम होते हैं, जो भी इंसान इस चीज को समझ ले, दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में कभी दुखी नहीं रहेगा। पहली चीज, ड्रेसिंग सेंस। जिस दिन आप बढ़िया तरीके से तैयार होके जाओगे ना, बढ़िया तरीके में से, पार्टी वियर नहीं, फॉर्मल ड्रेस फॉर द बॉयज एज वेल एज फॉर गर्ल्स। अच्छे कपड़े पहन के जाने का मतलब ये नहीं होता कि चमक धमक, वो चीज जो आप कैरी कर सकते हो। लड़कियों के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ साड़ी पहन के जाएं, प्रॉपरली बाल खोल के मत जाना, अच्छे से उसको पोनी जैसे मैं बना लेती हूँ वैसे कर लेना, या फिर आप बाल खुले में भी अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, बार बार ऐसे हाथ नहीं मारते तो खुले भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज के लिए भी प्रॉपर डिसेंट अपना फॉर्मल जो आपका सूट होता है उसके अंदर प्रॉपर टाई लगा के, आ रही बात समझ में? गर्ल्स को स्पेशल हिदायत होती है कि ऐसे, और बॉयज को भी ऐसे शूज ना पहने इंटरव्यू के दौरान जिसमें टुक टुक की आवाज आती हो चलते समय, क्योंकि जब आप रूम में एंटर होते हैं और 10 लोग बैठे होते हैं और आपके पैरों से जब चलने में टिक टॉक होती है तो सबका ध्यान आपकी तरफ जाता है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो उस समय पर। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कोशिश करें हील से बचने के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। फ्लैट जो भी पहनना चाहें वो फ्लैट पहने, इससे फायदा होगा जब आप डेमो दे रहे होंगे तो एक तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, पैर इधर उधर नहीं पड़ेगा, गिरने का डर नहीं रहेगा, दूसरी सबसे बड़ी बात है वो टिकटॉक से बचेंगे। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ एनी इंटरव्यू। जब रूम में एंटर करो मुस्कुराते हुए एंटर करना, सबको गुड मॉर्निंग विश करना, हो सकता है शाम तक का भी टाइम हो जाता है, कई बार कैंडिडेट्स बहुत पहुंचते हैं एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल करे होते हैं, तो अगर शाम का भी समय हो जाए तो इतना ध्यान रखना कि खाना और पीना लेकर जाना खुद का फ्रेश लगना चाहिए। आप उनके लिए चाहे कोई से भी नंबर के कैंडिडेट सही, लेकिन आपके लिए ये पहला इंटरव्यू है तो मुस्कुराते हुए जाइएगा एकदम,
और वो भी थक चुके होते हैं, ऐसे में अगर कोई मुस्कुराहट के साथ आता है ना तो उनको लगता है भाई इससे पूछें काय बात की खुशी है इसको। तो स्माइल के साथ कॉन्फिडेंटली एंटर करिएगा रूम में, ठीक है। तो खुले बालों में हाथ लगाना है तो नहीं रखना है ना, खुले बाल नहीं रखने, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बुरा असर पड़ेगा इस बात का। पहला स्टेप होगा जैसे ही आप पहुंचते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, आपसे कहा जाएगा कि आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट लेके आए सबकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल, फोटो और ओरिजिनल, फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल लेके पहुंचिएगा, ठीक। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए अच्छी तरीके से कि आपने जो जो बातें लिखी हैं वो सही हैं, आपने अगर इसके अंदर लिखा है 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस तो आपने जहां जहां पढ़ाया है उसका आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है वो प्रूफ में लगाइएगा। उसके बाद वो आपका, क्योंकि अब आपके आपके ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में CSB में कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो अब क्या करने लगे हैं, ये पिछले 2 सालों से होने लगा है कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट। कंप्यूटर इफिशियंसी चेक करने के लिए आपकी रिटन भी लेते हैं और प्रैक्टिकल भी लेते हैं। अब रिटन में 2-4 नॉर्मल चीजें जो बीइंग अ टीचर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। तो आप अगर बच्चों ये सोच के चल रहे हो कि आपसे नहीं पूछा जाएगा कंप्यूटर के बारे में, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। प्रैक्टिकल जब कराया जाएगा तो आपको कहा जाएगा भैया फाइल बना दो, एक फोल्डर बना दो, सबको उतना ही टाइम मिलेगा, एक पेपर हल्का सा दे दिया जाएगा, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कि एक फाइल बनाएं उसको इस नाम से सेव करें, एक फोल्डर बनाएं उसको इस नाम से सेव करें, ठीक है, एक PPT बनाएं, PPT जानते हो ना, PPT भी बनवाएंगे, एक PPT बनाएं इस कंटेंट में जिसका टाइटल ये दें, एनिमेशन भी लगाएं, जो भी कह सकते हैं वो पेपर, क्योंकि आपको बनाना ही है आगे चल के, ऑनलाइन ही बनाओगे, ठीक है, खुद बनाओगे, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए कोई पेपर और बनाएगा, आप खुद ही अपना पेपर टाइप करते हैं, ठीक है ना। तो पेपर बनाने के लिए भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि ये 2 क्वेश्चन आप एक पेपर बनाइए, सब्जेक्ट का टाइटल ये दीजिए कि हिंदी, हिंदी की टाइपिंग नहीं करवाते, इंग्लिश में ही टाइपिंग करवाते हैं, तो आप यहां लिखिए सोशल साइंस क्लास 9th का पेपर जिसका फॉन्ट साइज ऊपर की हेडिंग का 14 होना चाहिए न्यू टाइम्स रोमन में, नीचे का कंटेंट जो लिखें उसका होना चाहिए 11, और ये 2 क्वेश्चन आप टाइप कीजिए। क्या देखने के लिए कि कितना मार्जिन सेट करना जानते हो आप कंप्यूटर में, जब पेपर टाइप कर रहे हो वर्ड में तो मार्जिन सेट करना जानते हो या नहीं। रिजल्ट बनवाया जाएगा कि सीता गीता मीता और बबीता ये इतने इतने नंबर आए हैं, निकाल दो परसेंटेज कितना है ओवरऑल में से, फॉर्मूला सारे लगवा देंगे रिजल्ट में, एक्सेल रिजल्ट प्रिपेयर करवाते हैं, एक्सेल के फॉर्मूला लगा देते हैं कि ऐड कैसे करेंगे। अब कोई बहुत शाणा बन के ये सोचे अरे आंसर ही तो चेक करेगा, लाओ मैं ऐड कर देता हूं 12 + 14 = इतना, तो बेटा जैसे ही आप सेल पे क्लिक करते हो ना वहां फॉर्मूला लगा होता है तो अलग ही दिख जाता है, वो चेक जो करेगा कंप्यूटर PGT वो यही चेक करेगा फॉर्मूला लगा के गया या पागल बना के गया। तो ये फॉर्मूला ऐड के, सब्ट्रैक्शन के, ठीक है, मल्टीप्लाई के, आपका क्या कहना चाहिए, हाँ, सॉर्टिंग करना आपको आना चाहिए कि अल्फाबेटिकली ऊपर नीचे करना, डेट ऑफ बर्थ से ऊपर नीचे करना, समझ में आ रही है ना, एडमिशन नंबर से ऊपर नीचे करना, ये फिल्टर करना आना चाहिए आपको, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, ये कुछ देख के चले जाना एक्सेल पे, ठीक। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपने PGT या PGT हिंदी या इंग्लिश के लिए भरा है तो ये कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट के 5-6 काम करने के बाद आपको रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा वहां पर। ये केवल लैंग्वेज टीचर को देना पड़ता है जो TGT और PGT के लिए अप्लाई करते हैं, कारण आपने अभी तक MCQ दिया है, उन्होंने चेक नहीं किया है कि आपकी जो एक्चुअल फ्लो है, फ्लुएंसी है, किसकी आइडियाज की, विचारों की जो विचारधारा है वो कैसी है। ऐसा तो नहीं है छोटे बच्चे की तरह किसी चीज पे अपने विचार व्यक्त करते हो आप, तो वो चेक करने के लिए राइटिंग स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस जरूर होते हैं हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स के लिए जो TGT या PGT अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि वहां जब जाएंगे सब कुछ बढ़िया रहेगा आपका। मैम अरे यार एस्टेट के बारे में रुक जाओ, 2 मिनट के लिए एस्टेट को छोड़ दो, यहां आओ। हाँ जी हार्दिक, टोटल इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, उसकी भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बताती हूँ कि कैसे आप जीत सकते हैं। ये इतना समझ लो कि पहले से बता दे रही हूँ, ये कोई नहीं बताता किसी को भी, तुम्हें ये बेनिफिट है कि मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ तो तुम्हें पता है कि ऐसे ऐसे ही होगा, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे भी नहीं जाना। लेसन प्लान जरूर लेके जाना अपनी पसंद के किसी चैप्टर के एक टॉपिक का, और लेसन प्लान बिल्कुल वैसे बनाना
जैसे बीएड में बनाते थे, बढ़िया सा व्हाइट पेपर पे लेके टॉपिक पे अपना लेसन प्लान बनाया, फाइल में लगाया और पहुंचे, समझ में आ रही है। और प्राइमरी के टीचर हो तो ऐसा टॉपिक उठाना इंटरेस्टिंग सा, जिसके साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम लेके जाओगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। अब कोई ये मत सोच लेना कि कोई साइंस ज्योग्राफी का टीचर हो और वो कतई मैप ले जाके ऐसे कर दे, ना, वो उसका अच्छा इंप्रेशन ये बनेगा वो मैप कितने अच्छी तरीके से बना देता है वहां पर और तब चीजें समझाता है। आ रही बात समझ में? तो लेसन प्लान जरूर बना के लेके जाना, क्योंकि इंटरव्यू के बाद डेमो हो जाता है वहीं पर। अब जब इंटरेक्शन हो रहा है, ये तो आपको पहले तैयारी बता दी क्या करनी है, मुस्कुराना है, 10 दिन मिरर के सामने खड़े रहिए, 10 दिन मिले हैं आपको मिरर के सामने खड़े होके, क्योंकि आपका इंटरव्यू 26 से 25 मार्च के बीच में चलेंगे। मिरर के सामने खड़े होके अपने सामने क्वेश्चंस की कुछ की लिस्ट बनाइए और अपना इंट्रोडक्शन जितना शानदार देते हैं उसी पे बात बनती है। इंट्रोडक्शन में ये मत कहना माई नेम इज गार्गी सारस्वत एंड आई लिव इन मथुरा, माई फादर्स नेम इज मिस्टर किशोर कुमार शर्मा, माई मदर्स नेम इज मिसेज मिथिलेश शर्मा एंड आई एम वर्किंग हेयर, आई हैव अप्लाइड हेयर एज अ TGT ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर बोल दूं। ऐसे नहीं, बच्चे जनरली क्या करते हैं कि अपने बारे में बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंटली मुस्कुराते हुए बताइए, अपने बारे में ये भी बताते हैं मैंने 10th किया, मैंने 12th किया, यहां से किया, वहां से किया, नहीं मेंशन मत करिएगा, ये बताइए कि आपने 12th जो किया किस स्ट्रीम में किया, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में किन सब्जेक्ट्स को चुना, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ये बता दीजिए। कुछ बच्चे कतई ये तक याद करने लग जाते हैं कि 2004 में ये था कि 2016 में ये था, इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जैसे ही आपके ईयर ऊपर नीचे होते हैं आप गड़बड़ा जाते हैं। तो जितना अच्छा शानदार इंट्रोडक्शन होता है वही आपकी धाक जमा देता है, क्योंकि वो जो 2 मिनट आप बोलते हो और सब सुन रहे होते हैं, इस बीच आप रिलैक्स हो पाते, उस वातावरण के उस एनवायरमेंट में आप अडॉप्ट कर पाते। अपने इंट्रोडक्शन में अपना वर्किंग एक्सपीरियंस और अपनी हॉबीज एक या दो उनके बारे में जरूर बताएं। तो अच्छा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें, उस पर अपनी कमांड क्रिएट कर लें, ठीक। जनरल क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि आपसे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना पूछा जाए, पूछा जाएगा, उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन कुछ जनरल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एपीएस क्या है, एपीएस के लोगों में क्या लिखा है, तो वहीं आपको बताना होगा ट्रुथ इज गॉड, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके जाइएगा, ठीक है ना। एपीएस ही क्यों, क्यों चुना आपने ये स्कूल, क्या रीजन है। अब ये कहोगे कहीं लग नहीं रही थी, आई नहीं थी वैकेंसी इसलिए चुने हैं, मार लगाएगा, बोले सीरियस ही नहीं है ये आदमी, हम एक इंस्टीट्यूशन है, एक ब्रांड है, ये इसलिए आ गया क्योंकि इसकी कहीं नहीं लग रही थी। तो बताइएगा कुछ भी, एक अच्छा सा आंसर सोचिएगा इस क्वेश्चन के लिए, पूछा जाएगा वाई एपीएस ओनली, कहीं और क्यों नहीं। फिर उसके बाद ये भी पूछा जाएगा वाई टू दिस पर्टिकुलर एपीएस, यही मथुरा के ही एपीएस में क्यों, अंडमान निकोबार वाले एपीएस में क्यों नहीं, आपके घर से तो बहुत दूर है, यहाँ कैसे रहेंगे, हाउ विल यू सर्वाइव हेयर, इस क्वेश्चन के लिए एक सटीक आंसर लेके चलिएगा कि फैमिली वहां रहती है, आप यहाँ कैसे, आपको बताना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा, क्योंकि रीजन क्या है। ये तो ये अपने आप को तो एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हम देते ही नहीं है वैकेंसी, जहां ज्यादा वैकेंसी निकलेगी वहीं तो इंसान ट्राई करेगा, लेकिन भाई अगर किसी जगह पे ये देखो, अगर कोटा में निकली है 4 और जयपुर में निकली है 8, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा प्रेफरेंस इस तरफ बढ़ेगा। अब आपसे पूछा जाएगा नहीं कोटा क्यों नहीं, जयपुर क्यों, अरे आपके तो बहुत पास पड़ेगा जयपुर, मतलब कोटा, आप कोटा क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो, जयपुर क्यों कर रहे हो, आपने क्यों वहां पे, तो आपको बताना पड़ेगा, एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा और सटीक रीजन देना, और ऐसा मत देना कि खुद ही की बात में खुद फंस जाओ, ठीक है। सारे एस्पेक्ट्स पे सोच लेना कि मुझसे ये भी पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा या क्या बोलूंगी। क्लास होगी 5 बजे की, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, ये जनरली देखा गया है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन अगर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डे है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है आपकी अवेयरनेस चेक करने के लिए। तो जिस दिन आपके इंटरव्यू की डेट आए उस दिन देख लेना गूगल पे कौन सा नेशनल और कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे है, अगर कुछ भी हो तो दिमाग में बैठा जाना, हल्का उसका साइड फाइड से कर लेना। एनईपी बेस्ड सिचुएशन क्वेश्चन जरूर आएंगे, एनईपी पर आधारित सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये सुपर टेट नहीं है कि पूछेंगे एनईपी कौन लाए, कब आई, कितने करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लेके आना है, नो नॉट एट ऑल, दे विल आस्क सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन टू यू, एनईपी बेस्ड, जैसे बताती हूँ क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जनरली क्या क्वेश्चन पूछते हैं,
आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, आपसे कहा जाएगा आप फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जानते हो ना, भिन्न, इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चा नहीं जानता, आप कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, इंटरव्यू का सारा खेल प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। आप ऐसे हो गए, मैं ऐसे बता दूंगी, ये ऐसे लिखते हैं बेटा, एक ऐसे लाइन खींचते हैं उसके नीचे फोर लिख देते हैं, पहला इंप्रेशन बर्बाद है। सिंपल बताना सर, मैं उसे बोलूंगी हैव यू सीन चॉकलेट, और चॉकलेट्स में ये ब्लॉक्स हैं, एक पूरी चॉकलेट में इतने सारे ब्लॉक्स, यानी कि ये उसमें डिवीजन शो कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट शो कर रहा है। मैं बच्चों से पूछूंगी बेटा तुमने पिज्जा खाया है, हाँ, तो बेटा पिज्जा के अंदर जो फोर पार्ट्स हैं, एक ओवरऑल पिज्जा का वो एक पार्ट उसका क्या है, फ्रैक्शन है। मैं इस तरीके से प्रैक्टिकली जिन चीजों को बच्चा जानता है वहां इंट्रोड्यूस करूंगी। समझ पा रहे हो उस बात को, ये बात दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन पूछा गया सिचुएशन बेस्ड, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप क्या करेंगे? ऑनलाइन बच्चा क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाता, आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब आपने कहा सर उसके मम्मी पापा को, वी विल इन्फॉर्म टू हिज मदर एंड फादर एंड आई विल इन्फॉर्म टू माय ब्लॉक इंचार्ज एज वेल एज टू माय प्रिंसिपल। तो कहेगा सब इन्हीं को इन्फॉर्म करना है, तो डॉक्यूमेंट पोस्टमैन बन जा भाई, टीचर काहे को बन रहा है? आपको इनोवेटिव चीज सोचनी पड़ेगी। ये दो क्वेश्चन दिमाग में बिठा लेना कि आपसे पूछा जाएगा बच्चा ऑनलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ना चाहता तो क्या मेथडोलॉजी अपनाओगे, ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहता क्या मेथडोलॉजी अपनाओगे, और जो भी सजेस्ट करो ऐसी चीज सजेस्ट करना जिसमें बच्चे की रुचि और इंटरेस्ट उस एज ग्रुप के बच्चे को ध्यान में रखे। जो टीजीटी के लिए जा रहे हैं वो स्पेशली स्पेशली याद रखो, 8th से लेके 10th तक की एनसीईआरटी टिप्स पे होनी चाहिए, 8th से लेके 10th तक की। अगर साइंस का भी देने जा रहे हैं तो साइंस की भी, सोशल साइंस का देने जा रहे हैं तो सोशल साइंस की भी, ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन रुकते नहीं है। 10 लोगों का पैनल बैठा होता है, एक तरफ साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि तुम दबाव में कितना आते, समझ में आ रही बात? अब साइकोलॉजिस्ट अगर इंटरव्यू में बैठा है ना तो वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि ये किसी भी क्वेश्चन में कितना दबाव में आए। तो डोंट फील अशेम टू से सॉरी, आई डोंट, जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता वहां मुस्कुराइए और कहिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होती है कि तुम्हें आंसर देने का टाइम नहीं मिलता, इधर से क्वेश्चन इधर से क्वेश्चन, 10 लोग बैठते होते हैं और आर्मी की यूनिफॉर्म में होते हैं, जब कर्नल्स की तरफ से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना इस बात को? हाँ, ब्रिगेडियर साहब बैठे होते हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इंटरनल उस स्कूल का एक्सपर्ट और एक्सटर्नल भी। अब ऐसे में ना आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, और वो इसी बात से याद रहेगा कि अपने इंटरव्यू को एंजॉय करना, क्योंकि कोई आपका गला नहीं पकड़े उठिए, आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं होने दीजिए, आप सॉरी बोल रहे हैं होने दीजिए, आपको नॉलेज कितनी है आपको लग रहा है आपको कुछ नहीं आता होने दीजिए, आप सीखने गए पहली बार अपने आप को मार्केट में उतारने गए होने दीजिए, ठीक। तो एंजॉय करिएगा अपने इंटरव्यू को, आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक इंटरेक्शन होता है, सामने वाला ये देखना चाहता है आप कितना कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो। आपसे जब क्वेश्चन ऐसे एकदम बोछारे सी होती हैं, और अच्छे कैंडिडेट का 30-30 मिनट तक इंटरव्यू गया, मैंने खुद 30 मिनट का इंटरव्यू झेला था, उसमें 3 क्वेश्चन के जवाब मुझे भी नहीं आते थे, मैंने मुस्कुरा के बहुत आराम से कहा था सॉरी, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं, ठीक। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट में, जब सब कुछ हो गया, मैंने अपना डेमो भी दे दिया, मैंने अपना टॉपिक भी पढ़ा दिया, मुझसे पूछा गया गार्गी हैव अ सीट, बैठे, हमसे कहा गया व्हाट डू यू फील अकॉर्डिंग टू अस व्हिच काइंड ऑफ इंटरव्यू वाज दैट, मतलब व्हाट डू यू फील दैट व्हाट आर वी थिंकिंग राइट नाउ अबाउट योर इंटरव्यू। तो ऐसे में क्या बोलोगे कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, आप क्या बोलोगे? अगर आप ये बोलते हो सर बेकार चला गया, मैं 3 क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाई, तो सामने वाला कहेगा ले बताओ। आप ये कहते हो सर मेरा तो बिल्कुल एकदम बढ़िया गया है, तो कहेगा ओवर कॉन्फिडेंस है। ऐसे में प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है, जो कभी कहीं सिखाई नहीं जाती। सो आई जस्ट रिप्लाइड देयर कि द पर्सन हु इज सिटिंग दिस साइड ऑफ द टेबल कैन नॉट अज्यूम व्हाट द पर्सन हु इज सिटिंग दैट साइड ऑफ द टेबल इज थिंकिंग। यानी जो इंसान टेबल के इस तरफ बैठा है वो ये नहीं पता लगा सकता कि उस तरफ बैठे वाले व्यक्ति ने उसके प्रति क्या क्या अज्यूम किया। आ रही बात समझ में, वो क्या सोच रहा है, उसको कैसा लगा मेरा इंटरव्यू, कि तो टेबल के उस तरफ वाला व्यक्ति अलग जानता है, इधर वाला कैसे जज कर लो।
तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि मारे जाओगे। संस्कृत की वैकेंसी निकली हो तो बिल्कुल डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना खुद का लेके जाना, फ्रेश रहना, इंजॉय करना, ये सोच के जाना सीखने जा रहा। ठीक, पीआरटी के लिए एक चीज और, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आप अपने दो सब्जेक्ट बताइए। आपने ये कहा नहीं सर मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ मैथ्स, कह देंगे सर सॉरी हमारे पास और ऐसे कैंडिडेट हैं जो एटलीस्ट दो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो पीआरटी के लिए कहीं ना कहीं दो सब्जेक्ट पे कमांड बहुत जरूरी होती है। अप टू फिफ्थ पढ़ा रहे हो, दो सब्जेक्ट पे तो कमांड हो ही सकती है ना, जनरल ही क्वेश्चन पूछेंगे आपके, तो सारे क्वेश्चन यही पूछेंगे, टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, बच्चों कैसे बहलाओगे, बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करोगे, ये टॉपिक कैसे पढ़ाओगे। हमें मान लो हम हैं चौथी क्लास के बच्चे, अब पढ़ाओ, और पूरा नॉटीपन शो करेंगे वो वहां पे। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपको जिताएगा, इस बात को याद रखना। ठीक, हाँ, जितना आप इंजॉय करोगे उतना आप खुश रहोगे, जो एकदम तनाव में आ जाता है हाय भगवान अब मैं क्या करूं, वो वही मारा जाएगा। अब रही इंग्लिश की बात, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दीजिए जबरदस्त, एक साथ हिंदी में मत जाइएगा, नहीं ये कहिएगा सर सॉरी आई कांट आंसर इन इंग्लिश, ये भी मत कहिएगा। धीरे धीरे अगर आप अपने कम्युनिकेशन में कुछ आंसर्स के दौरान हिंदी का यूज करते करते हिंदी पे आ जाते हैं तो ये गुनाह माफ हो जाता है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये एक चीज है जो आपको बचा लेगी, पर ज्यादा भी हिंदी में मत चले जाइएगा। आप सिर्फ इतनी बचत कर सकते हो अपने लिए कि 20 और 80 का रेशियो रख सकते हो, सिर्फ इतना मार्जिन, सिर्फ 20% की बचत है आपके पास। चाहे आप अपनी बात को धीरे धीरे बोलिए लेकिन आपको वहां आंसर इंग्लिश में ही देने होंगे। लॉट ऑफ द पीपल आर वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग, टर्म्स पे पकड़ बनानी होती है। सुरभि ने कहा मैम एज यू सेड दोज हु आर अप्लाइंग फॉर लैंग्वेज अनदर टेस्ट विल बी कंडक्टेड देन व्हिच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, राइटिंग स्किल्स चेक करने के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, एक दो शायद ग्रामर से रिलेटेड पूछ लें, रेस्ट एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग ऑन द राइटिंग स्किल्स। क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया है आपका, उसमें वो आपकी राइटिंग स्किल्स असेस नहीं कर पाते, तो दैट्स व्हाई दे नीडेड योर राइटिंग स्किल्स, कितना अच्छा आप लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। और एक प्यारा सा सजेशन मेरी तरफ से बच्चों के लिए कि इस चीज को हमेशा याद रखना कि ये आपकी शुरुआत, आप चाहे बेशक इस इंटरव्यू में कुछ ना कर पाए लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस लेके बैठेंगे। क्योंकि वहां जब 10 लोगों को आप देखेंगे ना इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे, और हर लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो आप सीखेंगे कि कैसे लोगों के सामने बोला जाता है, अपनी नॉलेज अगर बेशक कम भी हो ना तो भी किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाता है। You will learn public speaking. तो back off मत कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी कितने अभागे हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी कितने अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे। तो न तो तुम्हें प्रण तोड़ना है कि जॉब नहीं लेंगे अगले साल ले लें, नहीं तुम्हें रण छोड़ के भागना। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो युद्ध मतलब संघर्ष को बिल्कुल गले लगाओ। हाँ, देखा जाएगा, कोई मेरा गला नहीं पकड़ेगा, कोई मारेगा नहीं, मैं मस्त खेलने जा रहा हूँ, एंजॉय करने जा रहा हूँ, मैं देख के आऊंगा मैं उससे ज्यादा सीनियर, मुझसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठ के एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाय बेटा। इंग्लिश नहीं आती है तो मैंने आपको बताया ना 20 और 80 का मार्जिन है, शुरुआती दौर में जबरदस्त फ्लुएंट स्पीकर रहिए, कुछ टर्म्स पे कमांड रखिए, धीरे 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 इंग्लिश से हिंदी पे सरकिएगा तो वो ऑड भी नहीं लगेगा ड्यूरिंग इंटरव्यू, और वो भी फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे दे विल ऑल्सो स्टार्ट टू आस्क द क्वेश्चन इन हिंदी, वो एक तरफ से कॉमन चलता है। ठीक है, चलिए सीडीपी की क्लास में मिलते हैं, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द साइड ऑफ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, और उनके बिहाफ पे मैं गार्गी सारस्वत आप सबको ढेरों आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, जुड़ जाइए। उससे पहले एक चीज देख लीजिए, दो मिनट मुझे ये तो बताना था, मैं इसको बता दूं आप देखेंगे कैसे, दो मिनट रुक जाइए, आज आपकी वो क्लास थोड़ा देर से शुरू हो जाने दीजिए। देखिए मैंने सबसे पहले डाला AWES इंडिया, समझ पा रहे हो, मैंने डाला था AWES इंडिया, वहां पे आपका ऑप्शन आया इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में मैंने स्कूल्स पे क्लिक किया, वहां आया APS कॉन्टेक्ट्स। ठीक, APS कॉन्टेक्ट्स में ये रहा पूरा मैप, समझ पा रहे हैं, मैप में मुझे डालना है यूपी, मैंने टिक किया, यूपी के सारे स्कूल्स निकल रहे हैं, अलोंग विथ साथ में क्या निकल रहा है बेटा, सबकी ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, सबका एड्रेस भी दे रखा है,
और साथ ही साथ टेलीफोन नंबर भी दे रखा है सबका, जितने भी यूपी में अंदर होंगे। अब मैंने सबसे पहले, मेरे नियर बाय था लखनऊ, मैंने लखनऊ पे उसकी वेबसाइट पे टिक किया। देखिए अब यहाँ सब कुछ शो हो रहा है, यहाँ न्यू अपडेट्स में यहाँ इनके पूरे के पूरे नोटिस आ रहे हैं। नो मोर पे टिक किया, जितने भी नोटिस आए हैं अब तक सब शो कर दिए। देखो, कॉल फॉर कोटेशन, टेंडर फॉर रिफिलिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर, तो वो इन्होंने अपने पर्सनल बेसिस पे डाला हुआ है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट थ्रू CSB कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड फॉर सेशन 2022-23 क्लिक है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको तुरंत की तुरंत क्या मिल जाएगा, आपको तुरंत की तुरंत आपका, ठीक है, आपको आपका वो मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, वहां से डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ एडवर्टीजमेंट कब निकाला था, लो जी मैंने व्यू करा, एडवर्टीजमेंट शो हो गया, कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट जो निकाला है हमने उसके लिए यहाँ क्लिक करें। जी मैंने कर दिया, मैंने क्लिक किया, इन्होंने पूरा एडवर्टीजमेंट शो कर देना है। थोड़ा स्लो चल रहा है, आगे आ भी जाओ, अरे आ जाओ प्रभु, कहाँ रह गए, आ गया, ये रहा एडवर्टीजमेंट, देख लिया TGT के लिए। ये क्लस्टर है भाई, क्लस्टर में साफ लिखा हुआ है कि केवल एक ही स्कूल पे डाल सकते हो आप। लखनऊ में क्लस्टर है, 3 APS है, तीनों का एक साथ निकला है, और तीनों चारों, और अच्छा आगरा वालों को भी इन्होंने अपने क्लस्टर में लिया है, फैजाबाद वालों को भी लिया है, और लखनऊ के तो तीनों लिए हैं, ठीक है। किस किस में किस किस की रेगुलर निकली है सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, क्या एलिजिबिलिटी एरिया है सारी इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ फॉर्म कब तक जमा हो जाना चाहिए 15 मार्च तक साफ साफ बता रखा है, किसके नाम पे पेबल होगा ये भी दे रखा है कि किसके नाम पे पेबल होगा, आप जो DD बनवाएंगे सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। उसके बाद आपको ये भी बता रखा है कि टेंटेटिव डेट्स, मतलब एक्चुअल अभी क्लियर नहीं है, 24 से 26 मार्च के बीच में कभी भी रहेगी, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, भर दीजिए। और केवल न केवल रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट भी भरना चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट भी भर देना, इसी बहाने एक एक्सपीरियंस लेकर आओगे, ठीक, समझ में आ रही बात। तो चलिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, ये समझ पाए आप हर स्कूल जो आपके नियर बाय पढ़ता है, आपके स्टेट में पढ़ता है, उसी तरीके से जाके जा सकते हो। तरीका वही, AWS इंडिया इंस्टीट्यूशन पे गए, स्कूल कॉन्टेक्ट पे गए, मैप निकल के आया, अपने स्टेट पे क्लिक किया, जिस स्कूल को करना था उसको क्लिक किया, उसका नोटिस पढ़ा, वहां से उसको डाउनलोड किया, एप्लीकेशन फॉर्म लिया, उसको डाउनलोड किया, आराम से फॉर्म भरा, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक। एवरीथिंग इज ऑन अ सिंगल विंडो, आपको कहीं नहीं देखना। चलिए बाय, टेक केयर। और कोई क्वेरी तो नहीं है? PRT की कितनी वैकेंसी है देख लेना भाई, कितनी वैकेंसी निकली है PRT की, कितनी अलग अलग निकली है, ठीक है। अभी तो TGT PGT निकली है, इन्होंने तो PRT की निकाली ही नहीं है, ठीक है, ये सब TGT PGT। अच्छा PRT निकली हुई है ऑल सब्जेक्ट, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं दी है इन्होंने, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं दी है इन्होंने इसमें, ठीक। कुछ स्कूल्स ने अपने यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दी है, वैसे सारे स्कूल क्या करते हैं शुरुआती दौर में ना, खुद AWS को अपने यहाँ से रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं, उसके बेसिस पे वो 8,000 या 9,000 वैकेंसी निकलते हैं। चलिए टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगी नेक्स्ट उस पे, तो गायब हो जाएं आप सब लोग, बाय बाय।